हाई एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही सिंपल सा, एलिगेंट सा, समर के लिए एकदम फ्रेश मेकअप लुक, जिसको मैंने बहुत ही इजी तरीके से क्रिएट किया है। इवन इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने किसी भी टूल का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ अपने हाथों से ही इस मेकअप लुक को क्रिएट किया है। साथ के साथ मैं इस वीडियो में एक प्रोडक्ट के बारे में भी बात करूँगी, जो कि है डर्मा को की स्नेल पेप्टाइड 96 हाइड्रेटिंग सीरम। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सो विदाउट एनी अगर डार्क स्पॉट है, पिगमेंटेशन है, स्किन बहुत ज्यादा अनइवन दिखती है, एक्ने मार्क्स है, तो उसको ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है एंड एक्स्ट्रा सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, स्किन में ग्लो प्रोवाइड करता है। इसमें 2% पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स है, जो कि आपकी स्किन बैरियर को रिपेयर करने में हेल्प करता है, स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है। इसका जो टेक्स्चर है आप देख सकते हैं, जो ये स्लाइमी टेक्सचर है, इससे आपको पता ही चल गया होगा कि ये स्किन को कितना डीपली हाइड्रेट करता है, स्किन में जो मॉइस्चर है उसको मेंटेन करके रखता है। क्योंकि हमारे स्किन में जब मॉइस्चर लॉस होता है तो फाइन लाइंस, रिंकल्स, ये सारी चीज़ें दिखने लगती हैं। बट अगर आप अपनी स्किन का मॉइस्चर मेंटेन करके रखते हैं, स्किन को डीपली हाइड्रेट करके रखते हैं, तो ये फाइन लाइंस एंड रिंकल्स वगैरह ये रिड्यूस होने लगते हैं एंड आपकी स्किन जो है वो यूथफुल दिखती है, ठीक है। एंड पेप्टाइड जो है वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, ड्राइनेस से प्रिवेंट करेगा, अगर इरिटेशन वगैरह है तो उससे प्रिवेंट करेगा। एंड ये जो सीरम है ना, ये सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है एंड आपकी स्किन टेक्सचर को भी ये इम्प्रूव करता है। फ्रेग्रेंस फ्री है, डर्मा को के जो प्रोडक्ट होते हैं वो फ्रेग्रेंस फ्री होते हैं, सो दैट अगर आपकी स्किन फ्रेग्रेंस से एलर्जिक है या सेंसिटिव है तो भी आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड होता है एंड इसमें किसी भी टाइप का कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं होता है, जैसे कि पैराबिन, सल्फेट, डाई या मिनरल ऑयल। एंड बहुत ही अच्छा सीरम है, मतलब एक बार आप यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन आपको थैंक यू बोलेगी। एंड अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट, नायका, पर्पल एंड खुद डर्मा को की वेबसाइट पर मिल जाएगा। अगर आप डर्मा को की वेबसाइट से परचेज करते हैं तो स्क्रीन पर कूपन कोड लगा दूंगी, उसको अप्लाई करने के बाद आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और हाँ, जब भी आप डर्मा को की वेबसाइट से कुछ भी परचेज करते हैं तो ये आपके ऑर्डर को लिंक कर देते हैं उस बच्चे से जिसको ये एजुकेशन देने में हेल्प करते हैं, विद भूमि। और डर्मा को ने अभी तक 15,000 से भी ज्यादा बच्चों को एजुकेशन देने में हेल्प की है, आगे भी करते रहेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, आपका स्किन केयर का स्किन केयर हो रहा है एंड आप किसी बच्चे की एजुकेशन में भी हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद मैंने डर्मा को का प्राइमर अप्लाई किया, देन उसके ऊपर डर्मा को की बीबी क्रीम, देन मैं यहाँ पे पिंक कलर की लिपस्टिक को एज अ ब्लश अप्लाई कर रही हूँ एंड फिंगर की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर लूंगी। आप देख सकते हैं इस तरह के जो शेड्स होते हैं ना, पिंक, कोरल, ये समर में बहुत ही ज़्यादा फ्रेश दिखते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे लूज पाउडर लिया है, उसको फिंगर की हेल्प से ही अपने अंडर आई एरिया को सेट करूँगी, पूरे फेस पे नहीं अप्लाई करूँगी। मुझे पाउडर प्रोडक्ट उतने ज़्यादा पसंद नहीं आते जितना क्रीम प्रोडक्ट, मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा नेचुरल दिखते हैं, बट हाँ थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग कम होते हैं। समर था तो इसलिए थोड़ा सा पाउडर यूज़ करना पड़ा, क्योंकि मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखना भी है। और उसके बाद मैंने अपने बेस को सेट कर लिया मेकअप फिक्सर की हेल्प से। बेस क्या था आपने देखा, मैंने दो ही तीन चीज़ लगाई है, ज़्यादा कुछ नहीं लगाया है। देन मैंने अपनी आईब्रो को फिल कर लिया और उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे ब्लू कलर का काजल। ब्लू थोड़ा सा मेरी ड्रेस से मैच हो रहा था, आप कोई भी अगर ड्रेस पहनते हैं तो उससे मैचिंग काजल लगा सकते हैं, लाइक ग्रीन हो गया और कोई कलर है, या आप ब्लैक के साथ भी इस तरह का मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सुंदर दिखने वाला है, ठीक है। देन मैंने फिंगर की हेल्प से ही इसे स्मच कर लिया, आप देख सकते हैं पूरा ऊपर नहीं जाना है, बिल्कुल नीचे नीचे ही लैश लाइन के क्लोज ही इसको स्मच करना है। देन मैंने लिया है हाइलाइटर एंड हाइलाइटर को इसके ऊपर लगाने के बाद मैं मिक्स कर लूँगी, अच्छे से मिक्स करूँगी, कोई भी हार्श लाइन नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। एंड बहुत लोग सोचते हैं ना कि मेकअप करने के लिए महंगे महंगे प्रोडक्ट चाहिए, ब्रशेस चाहिए, बहुत सारे टूल्स चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ टेक्निक आनी चाहिए एंड महंगे प्रोडक्ट नहीं, अच्छे प्रोडक्ट आपको यूज़ करने हैं। तो ज़रूरी नहीं कि कोई अच्छा प्रोडक्ट बहुत महंगा ही मिलेगा, वो आपको थोड़ा सा जब इन सब चीज़ों में देखेंगे ना तो नॉलेज हो जाएगी कि कौन सा प्रोडक्ट कैसा काम करता है। देन मैंने यहाँ पे लिया है ब्राउन कलर का लिप लाइनर, उससे अपने लिप्स को कॉन्टोर कर लिया है एंड सेम लिपस्टिक मैंने अप्लाई की है जो कि मैंने ब्लश के लिए अप्लाई की थी। आप देख सकते हैं इतने से ही मेकअप ये कितना ज़्यादा फ्रेश दिख रहा है एंड कितना ज़्यादा समर अप्रोप्रिएट दिख रहा है। एंड उसके बाद सेम हाइलाइटर लिया है, उसको मैंने अपने हाई पॉइंट्स पे, जैसे कि चीक
चीक बोन्स हो गया एंड टिप ऑफ नोज़ हो गया, ब्रिज ऑफ नोज़ हो गया, क्यूपिड बो हो गया, फॉरहेड पे हल्का सा, बहुत ही हल्का हल्का सा लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। लगा लिया एंड देख सकते हैं स्किन कितनी ज़्यादा ग्लोई दिख रही है। एंड इसके बाद आई थिंक मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया है या मैंने कुछ और भी किया था। ओके, तो मस्कारा नहीं अप्लाई किया था मैंने, एंड देन मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है मस्कारा। अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, यू नो, डबल कोट, ताकि लैशेस थोड़ी अच्छी लगे। एंड आई थिंक मैंने मस्कारा रिव्यू किया था तो उसी की क्लिप है ये, एंड आप देख सकते हैं। अगर ये वाला वीडियो नहीं देखा है जो मैंने रिव्यू किया है तो जाकर देख सकते हैं चैनल पर, या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। और इसी को मैं अपनी आईब्रो पे भी लगा लूँगी, इससे मेरी आईब्रो जो है पूरे टाइम सेट रहेंगी। सो दिस इज़ अ फाइनल लुक गाइस। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये मेकअप लुक आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। बगल में एक छोटा सा बेल बटन बना होगा, उसे ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और हाँ, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।